रॉड पिलर को अगर हम पेयर रखते हैं तो इनके माइंड में और इनके ग्रोथ में दोनों में बहुत अच्छा होता है। पेयर रखने से क्या होता है कि ये दोनों फैमिलियर होते हैं एंड ग्रोथ के बारे में देखा जाए तो ये लोग 27 के होते हैं बट 29 इंच तक ये लोग होते हैं अगर पेयर रहते हैं तो, चूंकि इनको खेलने को अच्छा मिलता है। पेरेंट्स लेवल से दूर चले जाते हैं तो हम इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। चलो कम ऑन, कम विद मी, कम, यस, गुड बॉय, नाउ डाउन, दैट्स गुड, उठो, कम ऑन अप, स्लिप, गुड गर्ल, वेरी गुड, वेरी गुड, स्टे, स्लिप, गुड बॉय, डोंट मूव, स्टे देयर, Now close, not just a command, pass. Good boy, take it, shabash, shabash. Again, say clap, that's good. Yes, good, good boy, come on left, safe, good boy baby, come on right, good boy, first class, yes sir, slip, now slip, yes, stay. Don't move. Wait. Good girl. Good girl. Good ball. वाला हुआ अंडा है। ये लोग अंडा बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसके बाद भी इनको उन्होंने बैट बॉल कर गया है और ये नहीं खाएंगे। वेट के पास इस तरीके की पेशेंस लेवल पाई जाती है, जबकि इनके पास एक अंडा उबाला हुआ अंडा रखा गया है और ये नहीं खा रहे हैं। इनके ट्रेनर इन्हें ऐसा बोल के गए हैं, देखिए जार नाराज हो रहा है और इनका ट्रेनर आएगा, दोनों खिलाएगा। चलिए, गुड बॉय एंड गुड गर्ल, गुड गर्ल। ये देखो ये दोनों तैयार हो गए हैं, पर इसे हम छिपाएंगे। एंड जार या जासा, दोनों में से कोई एक ढूंढ कर लाए, सबसे पहले कौन जाएगा? चलो, ओके ओके, आप ना, जासा तू जाएगी, शाबाश, वेरी गुड। ओ जासा पहले जाना चाहेगी। स्टूडेंट किसी भी ब्रीड का हो, स्ट्रीट डॉग हो या कोई ब्रीड डॉग हो, सिर्फ हमें उनको प्यार रख के सिखाना है। सिक्स मंथ से अगर हम उनकी ट्रेनिंग चालू करते हैं तो कोई भी ब्रीड का डॉग सर्च कर सकता है, वो कोई भी एक्सप्लोजिव हो, कैसी भी चीज़ें हो, उसे कोई भी डॉग सर्च कर सकता है, जैसे आज हमारे जार या जैसा सर्च करने वाले हैं। और ये हमने जार को खोला, गो सर्च पॉइंट, और ये सर्च के लिए गए हुए हैं जैसा। वेरी गुड, ग्रेट बॉय, कम ऑन, सर्च फास्ट। एंड जैसा भी जाएगी जार से बॉल छीनने के लिए, गो पॉइंट। ये देखो जैसा ने बॉल छीन ली। ओके, अगर हम अटैक के बारे में कहें तो अदर डॉग बाकी के डॉगों से ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर और ड्रावना तरह का अटैक करता है। इनके अटैक करने के परसेंटेज जो है अदर डॉगों से इनका 80% है। Down, pull down. रॉटविलर जैसे अगर हम इसके साथ अभी इस तरीके से खेल रहे हैं, पर अगर हम ज़्यादातर मस्ती करते हैं किसी भी रॉटविलर से तो उनको अंदर एक गुदगुदी फील होगी
और इसके बाद ये किसी के भी साथ स्वयं को अनकंफर्टेबल समझकर और उसके ऊपर ये लोग अटैक कर सकते हैं। रॉट विलर को हम लोग सिक्योरिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं। नहलाते समय भी हमें रॉट विलर पर ये कान वगैरह हमें हमेशा देखना पड़ता है, गंदे हैं कि नहीं, दांत वगैरह हमको मंजन वगैरह भी उनको कराने पड़ते हैं। विलर को नहलाते समय हमें काफ़ी सावधानी लेनी होती है एंड इनको नहलाने के बाद हम लोग ऐसा उल्टा एक कॉम यूज करते हैं एंड इनके बाद जो भी मेडिकेटेड लिक्विड्स है जैसे ट्रैक्टिक एंड रीड वगैरह वो सब हम यूज करते हैं ताकि 1 वीक तक इनके बॉडी में किसी भी तरीके की बैक्टीरिया एंटीक्स वगैरह ना आए।